भागलपुर के गोराडीह थाना क्षेत्र में 14 जून को सुमेश मंडल की धारदार हथियार से गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी गई थी, जिसको लेकर अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस एड़ी चोटी एक करती थी। वहीं दो दिन पहले 7 लोगों को गोराडीह पुलिस ने पूछताछ के लिए 2 बजे रात में ही 7 लोगों को थाने पर बुलाया था, उसके बाद जमकर पिटाई शुरू कर दी थी। पुलिस ने पूछताछ के क्रम में सबों को हाथ पैर बांधकर करंट लगाकर जमकर पिटाई की, फिर भी किसी ने कुछ नहीं कबूला तो एक युवक के प्राइवेट पार्ट में पेट्रोल डालकर थर्ड डिग्री इस्तेमाल करते हुए जमकर पिटाई की। गोराडीह पुलिस के इस रवैया से पूरा इलाका सदमे में आ गया है। क्रूर पुलिसिया कार्रवाई के थर्ड डिग्री अप्लाई करने से सभी लोग बुरी तरह घायल हो गए थे, जिसका इलाज मायागंज अस्पताल में चल रहा था, जिससे मिलने सांसद अजय मंडल पहुंचे और उन्होंने कहा कि जल्द न्याय मिलेगा और दोषियों को सजा मिलेगी। पूछताछ के लिए पुलिस ने जिन लोगों को उठाया था उसमें गोराडीह गांव से ही धनेश्वर दास, अंबेडकर दास, फुलेश्वर दास, संजीत दास, कन्हैया दास जी और संतोष दास हैं। वहीं गोराडीह थाना अध्यक्ष शांता सुमन और SI विनोद कुमार के खिलाफ इन लोगों ने यह सारी बातें कही। वहीं सभी घायल का इलाज मायागंज अस्पताल में चल रहा है। वहीं एक युवक को गोराडीह थाने में ही अभी तक रखा गया है। जब पीड़ित 7 युवक ने मीडिया से बात की तो उनके आंख भर आए और उन्होंने दबे जुबानी में कहा कि बड़ा बाबू और छोटा बाबू दोनों ने एक रूम में बंद कर हम लोगों को जानवर की तरह पीटा, जबकि हम लोग निर्दोष हैं। अब सवाल यह उठता है कि इस तरह की बर्बरतापूर्ण पुलिस का रवैया कहां तक सही है। एसपी साहब के संज्ञान में दिया है और एसपी साहब बोले हैं हम इस पर कार्रवाई करेंगे। आगे आगे की क्या कार्रवाई होगी? अब क्या कार्रवाई होगी, आगे कार्रवाई होगी, विभाग की बात है ना।